अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हेलमेट क्यों पहना है। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम एक चैलेंज वीडियो करने लगे हैं अपने दोस्तों के साथ जो कि यूनिवर्सिटी के हैं। यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स साथ करने लगे हैं हम चैलेंज आज, क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह होते हैं लेट और इनएक्टिव, और हमने कहा कि हम आपसे एक्टिव हुआ करेंगे, अपने फ्रेंड्स साथ वीडियोस बनाए करेंगे और अपनी वीडियोस बनाए करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम करने जा रहे हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले कौन बनाएगा वीडियो? सबसे पहले आएगी फातिमा रशीद खान। बॉस सबसे पहले, चलो डेयरिंग पर्सन ही आ जाता है, ज्यादा पहले कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों ने गेस करना होता है और वो आपको देख के समझ आ जाएगी वीडियो की क्या है। वैसे लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि हम एक बंदा आगे बैठेगा, पीछे हमारे सारे दोस्त खड़े होंगे, इधर स्लैब करेंगे और स्लैब करने गेस करना होगा। यार इंटरफेयर ना किया करो, और आप लोगों को गेस करना पड़ेगा कि यार बहुत डिग्रेड करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डजंट मैटर, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। और माय गॉड, तो ये चैलेंज होने लगा स्टार्ट, और मैं अपने आप को पहले कवर कर लिया अच्छे तरीके से, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब हमें गेस करना है कि किसने मुझे स्लैप किया। अल्लाह का वास्ता प्लीज। फातिमा कौन है? फातिमा फिर गलत। ये माज है। अब बारी है सामा। लेकिन मैं आएगा पड़ी अकीर हो गई। तुमने मारी है जोर से, फातिमा ने मारी थी। तुम लोगों ने झूठ बोला है, नहीं सही बोला आपने, कहा था वो जो किसने मारी है कभी बता दो यार, ऐसे नहीं बता दो। चलो एक और मारो। बीच में डिले इसलिए है कि हमारी हो गए थे फोन की स्टोरेज फुल, लेकिन हम अपने फोन चेंज कर लिया, दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, मतलब इतना मसला नहीं हुआ था, टाइम से हमें पता लग गया था। अब आ गई थी फातिमा की बारी। ओह माय गॉड, मतलब पहले तुम्हें मार लो। चलो जी, अब आई है माज मलिक को स्लैप मारने की बारी। मुझे पता किस तरह मारी है। नहीं
फातिमा मिनाहिल मिनाहिल डर लग रहा मुझे बोला था जॉन किसने मारा है फातिमा बिल्कुल ही गलत आप बताएं मुआज बिल्कुल ही गलत अब फातिमा बिल्कुल गलत मुआज बिल्कुल गलत उसामा बिल्कुल गलत मैंने इसको बोला कि दूसरा चैलेंज बस चैलेंज खत्म कर दिया जाए